हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ केक की। केक जो सभी को बहुत पसंद आता है और सभी चाहते हैं कि घर पे ही बन जाए, क्योंकि बाहर से केक महंगा पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी डली होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो मैं आज घर में बनाने लग रही हूँ ज़ेब्रा केक। तो चलिए बनाते हैं ज़ेब्रा केक की रेसिपी। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या डलेगा, कैसे बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं ज़ेब्रा केक। आज मैं ज़ेब्रा केक बनाने जा रही हूँ। ज़ेब्रा केक बनाने के लिए मुझे 2 कप मैदा चाहिए, उसी कप के नाप से ही 1 कप चीनी चाहिए और 1/2 कप मुझे ऑयल चाहिए और उसी कप के नाप से 1 कप मुझे दही चाहिए। ये मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, ये वनीला एसेंस थोड़ा सा डलेगा और कोको पाउडर। बस सिर्फ यही चीज़ें डलेंगी। तो चलिए बनाते हैं केक। ये देखिए, सबसे पहले हम दही लेंगे। दही को बीट कर लेते हैं। अब इसमें चीनी डाल देते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं और इसको भी हम बीट कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से बीट हो गया है। अब इसमें वनीला एसेंस डाल दिया हमने थोड़ा सा, को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई चीज़ों को थोड़ा सा छान लेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और मैदा, इनको छान लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। कट एंड फोल्ड, ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। और इसी तरह के हमें जो चाहिए, और इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसमें डबल कलर का देना है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वली। ये देखो, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल दूंगी। 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है, इसमें डाल दूंगी। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हमारे दोनों बैटर बनके रेडी हैं। चलिए अब हम इसको बेकिंग के लिए बेकिंग ट्रे में डालते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच वाइट कलर का मिडिल में डालना है। ये देखिए, मिडिल में मैंने डाल दिया है। फिर उतना ही मैंने चॉकलेट वाला डालना है उसके ऊपर, मिडिल में ही। ये देखिए, अपने आप फैलता चला रहेगा। ये मैंने ये वाला डाल दिया। इसके बाद फिर से व्हाइट वाला आप डालेंगे। ये देखिए, डो अपने आप फैल रहा है, इसी तरह से फैलता रहेगा और आप एंड तक इसी तरह से डालते रहेंगे। अब मैंने चॉकलेट वाला डालना है, बिल्कुल मिडिल में चॉकलेट वाला डाल देंगे। इसी तरह से आप डालते जाएंगे। और ये डो देखिए अपने आप फैलता जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से अपने आप ही फैलता जा रहा है। ये देखिए, पूरा मैंने डाल दिया। अब हम एक ये लेंगे डंडी, इससे इस तरीके से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने टूथपिक ले लिया है, उससे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ।
अब अंदर की तरफ। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनता है और टूथपिक को हर बार हमें साफ कर लेना है। ये देखिए डिजाइन मेरा रेडी है। अब हम इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में आधे घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको निकाल लिया। हम टेस्ट करते हैं। जब भी आप टेस्ट करें नीचे से करें। ये देखिए बिल्कुल खाली है, इसका मतलब ये हमारा केक रेडी है। तो इसको ठंडा होने देते हैं फिर निकाल लेंगे। तो कैसा लगा ज़ेब्रा केक? अच्छी लगी ना रेसिपी? तो बनाइए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।